हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करें। जैसे कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से, तो यार इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि आप ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ से आपको लोन कैसे मिलेगा, क्या चार्जेस रहने वाले हैं, पूरी मैं आपको लाइव जानकारी दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को सिर्फ एक बार पूरा देख लेना। मैं आपको 10 मिनट में आपको पूरा प्रोसेस सिखा दूंगा कि आपको इससे लोन कैसे अप्लाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में। अब आपको इसे लोन अप्लाई करना है, तो करना है उस बात को ध्यान समझना है। आपने डाउनलोड कर लिया, अब आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। तो सिंपली आपको सबसे पहले ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे, अब मेरी बात को ध्यान समझना, आपको जो तरीका बताऊँ उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ डायरेक्टली ओपन हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको पहली बार डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा। सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी डाल के ओटीपी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ट्रू बैलेंस ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं। देखो बहुत सारे लोगों ने आपको बताया इससे आपको लोन तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलेंगे। कौन से लोन है, कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, वो जानकारी को समझ लेना। सबसे पहला लोन आपको देखने को मिला कैश लोन, इसका नाम है कैश लोन, जिसमें कि अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5000 रुपये का लोन मिल जाता है। मैक्सिमम आप 1 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, 5000 से लेकर आप 1 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका नाम है कैश लोन और ये आपको 3 महीने से लेकर आपको 12 महीने के लिए दिया जाता है। 3 से 12 महीने की आप EMI बना सकते हो इस लोन में। अब बात कर लेते हैं दूसरा लोन आपको कौन सा मिलता है। तो अगर आप इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको दूसरा लोन देखने को मिलता है, लीवल अप लोन। इसका नाम है लीवल अप लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 1000 का लोन मिल जाता है, मैक्सिमम 15000 तक अप्लाई कर सकते हो। 1000 से लेकर अगर आपको 15000 के बीच में लोन चाहिए या 15000 तक मैक्सिमम आपको अप्लाई करना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो लीवल अप लोन को, जो कि आपको ओनली KYC पर मिल जाता है। अब इसमें आपको दो तरीके के लोन देखने को मिलते हैं, आप समझ ही गए होंगे। अब देखो मुझे यहाँ पर अमाउंट की जरूरत है 20000 रुपये की, मुझे 20000 रुपये का लोन चाहिए, मुझे 20000 का लोन अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले लोन को अप्लाई करना है कैश लोन। ये लोन क्या है, इसमें आप EMI अपने मनपसंद बना सकते हो, 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की आप EMI बना सकते हो और ये लोन आपको आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले इसी को अप्लाई करना है कैश लोन को। तो आपके सामने आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, जैसे नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन आया, हाउ मच डू यू नीड, आपको कितने अमाउंट की जरूरत है। साफ साफ यहाँ पे इस तरीके से पूछिए आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले आएगा अमाउंट ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखो मिनिमम आप 5000 का अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1 लाख तक का अप्लाई कर सकते हो। आपको कितने पैसे की जरूरत है, आप कितना लोन लेना चाहते हो, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको 20000 पर सेलेक्ट कर दिया, देख सकते हो मैंने 20000 का मुझे जरूरत है, मैंने आप 20000 सेलेक्ट कर दिया। पहले स्टेप में आपको ये सेलेक्ट करना है। दूसरे स्टेप में आपके सामने EMI, आप EMI कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे मैं 20000 का लोन ले रहा हूँ, तो अब ये पूछ रहा है आप EMI 3 महीने की बनाना चाहते हो, तो 3 महीने को सेलेक्ट करो, 6 महीने की बना रहे हो तो 6 को, 12 महीने की बना रहे हो तो 12 को। तो मैं चाहता हूँ 12 महीने की EMI बनाना, तो मैंने इसको 12 पर सेलेक्ट कर देता। मैंने इसको स्क्रॉल करके देखो 12 महीने पर सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने 20000 रुपया भी सेलेक्ट कर लिया और मैंने 12 महीने की EMI भी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ कन्फर्म दिखा देगा, देख सकते मेरी मंथली EMI बनेगी 2081 रुपये की। जैसे अगर मैं 20000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरी मंथली EMI बनेगी 2081 रुपये की। इसने साफ साफ यहाँ पे दिखा दिया है। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें, तो आपका इंटरेस्ट 2.4% लगने वाला है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। आपकी मंथली EMI जितनी भी बनेगी सारा यहीं पे क्लियर कर देगा, आगे चल के आपको कोई भी कचड़ा नहीं होगा, सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो चुकी हैं। अब देख सकते हैं मेरी मंथली EMI सेट है, मुझे इतनी की EMI बनाने कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये लोन चाहिए, मुझे लोन लेना है बैंक में, उसके लिए आपके सामने ऑप्शन आया नेक्स्ट का, अप्लाई करना है। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने आया, देख सकते हैं व्हाट्स योर लोन पर्पज, अब ये पूछे आप किसके लिए लोन लेना चाह रहे हो, आपको सारी परमिशन देनी है, सारी जानकारी देनी है अपनी। तो ये पूछिए आप किसके लिए लोन लेना चाह रहे हो, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर के रिपेयरिंग के लिए, सैलरी के लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए ले रहे हो, आपको एक वजह सेलेक्ट करनी है। तो मुझे चाहिए मेडिकल इमरजेंसी, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये आपके सामने आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, मैं सिंगल हूँ तो मैंने सिंगल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी शिक्षा कितनी है, आपको अपनी लेवल एजुकेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप 10th में पढ़ते हो या फिर 10th पास हो या फिर 12th में हो, वर्चुअल हो, मास्टर हो, जो भी आपकी डिग्री, आपको डिग्री सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। तो मैंने अपनी डिग्री को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, जैसे कि अभी के टाइम पर आप घर में रहते हो, आपके घर में रहते हो तो वो घर आपका खुद का है, अगर आपने खुद ने बनवाया है तो आप सेल्फ ओपनेट पर क्लिक करोगे, अगर वो घर किराए का है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर वो घर आपके मम्मी पापा का है तो थर्ड वाले पर क्लिक करोगे।
करोगे अगर वो घर आपके अगर रिश्तेदार का तो फोर्थ वाले पे क्लिक करोगे। तो मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे मम्मी पापा का, तो मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर दिया। आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अबे पूछेगा डू यू हैव ए जॉब, अभी के टाइम पर क्या आपके पास कोई जॉब है ये ऐसे पूछेगा। तो अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई खुद का काम है जैसे आप खुद का काम करते हो उससे पैसे कमाते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करोगे, सेल्फ ओबनेड एम्प्लॉयड यानी सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करोगे। थर्ड ऑप्शन अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को सेलेक्ट करेंगे। मैं हूं सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप रेगुलर एम्प्लॉय हो या फिर कंट्रोल एक्स एम्प्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर हो, जो भी हो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं रेगुलर एम्प्लॉय तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप जो काम करते हो इसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं खुद का काम करता हूँ। पूछ रहा आप जो काम करते हो वो एक साल से कर रहे हो या दो साल से या पाँच साल से, कब से वो काम कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं कर रहा हूँ दो साल से, तो मैंने दो बार साल पर क्लिक कर दिया। अब पूछेगा व्हाट्स योर नेम ऑफ कंपनी और शॉप, अब पूछा अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसका आपको नेम डालना है या फिर आपकी कोई दुकान है कोई शॉप है तो उसका आपको नेम डालना है। अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है कोई कंपनी नहीं है तो सिंपल यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम हो आपको अपना नाम फिल कर देना है। मेरे पास कोई दुकान कंपनी नहीं तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपना ही नाम डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना नाम, इस तरीके से आपको नेम फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अभी आपके सामने आएगा इन द फील्ड इंडस्ट्री ऑफ यू वर्क, अब मुझे आप किस फील्ड का किस इंडस्ट्री में काम करते हो, आपकी इंडस्ट्री कैसी है कैसा काम है आपको, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, फार्म, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, कैसा आपका काम है, आपको अपना फील्ड सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपना फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछेगा देख सकते हैं आपके फील्ड के बाद व्हाट इज योर जॉब, अब आपकी जॉब क्या है, मैंने सेलेक्ट किया मैं आईटी फाइनेंस में, बैंकिंग फाइनेंस में, तो पूछ रहा आपकी पोस्ट क्या है, बैंकर्स हैं, एजेंट्स हैं, मैनेजर है, प्रोफेशनल, आप जो भी है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने हाउ मच यू एवरेज मंथली इनकम, आपकी पर मंथ की सैलरी कितनी है, पर मंथ कितना पैसा कमाते हो, आपको अपनी मंथली इनकम यहाँ पे आपको डालनी है, जो भी आपकी मंथली इनकम हो उतने डालने हो, कंफर्टेबल उतनी आपको अपनी इनकम यहाँ पे डाल देनी है जो भी आपकी मंथली सैलरी हो। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 15,000 डाल देता, मैंने 15,000 को फिल कर दिया। मंथली सैलरी डालने के बाद नीचे बॉक्स आएगा, तो इस बॉक्स को टिक कर देना है, मैंने इस बॉक्स को टिक कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम जो आपको मिलती है वो आपको किस डेट को मिलती है, सारी डेट 1, 2, 3, 5, 10, 20 आपकी जो सैलरी आपको मिलती है किस डेट को मिलती है। मेरी सैलरी मुझे मिलती है 21 को, तो मैं 21 को सेलेक्ट कर लिया। अब पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी जो आपको इनकम मिलती है सैलरी मिलती है वो आपको बैंक अकाउंट में मिलती है या फिर चेक मिलता है या फिर कैश मिलती है, आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है। जैसे कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको फैक्ट्री से हाथ में सैलरी मिलती है, तो मैं यहाँ पर कैश वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, मैंने कैश को सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा विच लैंग्वेज डू यू परफेक्ट, आपके लिए परफेक्ट लैंग्वेज कौन सी, आप कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है। मुझे इंग्लिश अच्छी है तो मैंने इंग्लिश में कर लिया। उसके बाद आपके सामने आएगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, आपने अगर पहले का भी लोन के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको पहले का भी लोन मिल चुका है तो आप यस करेंगे। मैंने अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया, अप्लाई किया था तो मुझे नहीं मिला, तो अब नो वाला ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, डी वाला, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने वेरीफाई योर जीमेल, यहाँ पर आपके सामने आपकी जीमेल आईडी ओपन हो जाएंगे, आपके मोबाइल में जितनी सारी जीमेल आईडी है सारी जीमेल आईडी आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो मैंने जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी इस तरीके से। अब आपके सामने देखो आपकी जीमेल आईडी यहाँ वेरीफाई होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको इस पर लोन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखो जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका यहाँ पर एक फॉर्म बन चुका है, अब इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो अप्लाई वाला ऑप्शन है नीचे की साइड में, ये वाला है एक्टिवेट माई लोन, ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ट्रू बैलेंस की टीम 10 मिनट के अंदर आपके फॉर्म का रिव्यू करेगी और आपका सिविल स्कोर चेक करेगी, जिसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे अगर आप मैंने 20 का अप्लाई किया, मैं 20 के लिए अगर एलिजिबल हूँ, मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, अगर 20 लायक है, तो मुझे आप 20,000 का लोन मुझे होम पेज पर शो हो जाएगा। होम पेज पर आपके सामने आपको जितना लोन मिलेगा होम पेज पर शो हो जाएगा। सो दोस्तों बस आपको एक बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसको आप अपने लोन के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो आसानी से, और उसको रीपेमेंट करने का ऑप्शन भी आपको होम पेज पर ही देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आप इस तरीके से आप ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो।